हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई फिल्म के ट्रेलर के बारे में। ये फिल्म 3 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। इसका नाम है बियॉन्ड द क्लाउड्स। आप सोचोगे क्या हॉलीवुड की फिल्म है, तो नहीं, ये इंडियन फिल्म है और माजिद मजीदी जैसे वर्ल्ड के रिनाउन डायरेक्टर उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है और 23 मार्च 2018 को ये इंडिया में रिलीज होगी। ये एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली है इंडिया की। भले ही अर्निंग के वाइज इसकी उतनी ज्यादा अर्निंग ना हो पाए, बट इसके अलावा इस फिल्म में हर वो चीज होगा जो आप एक फिल्म से एक्सपेक्ट करते हो या उससे भी ज्यादा। फिल्म के जो ट्रेलर है बियॉन्ड द क्लाउड, इसमें जो स्टार कास्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। ईशान खट्टर है जो शाहिद कपूर के भाई है। दूसरा जो है इस फिल्म में जो एक्ट्रेस है वो है मैं नाम भूल गया, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं। हाँ, उनका नाम है मालविका मोहन। तो मालविका और ईशान की कहानी है, यानी कि आमिर और तारा की कहानी है। इस ट्रेलर में 2 मिनट 10 सेकंड या 5 सेकंड के ट्रेलर में आप देखोगे कि ईशान को प्यार हो जाता है तारा से, और झोपड़पट्टी का बच्चा, गरीब, और उसके पिताजी का, माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता जब 13 साल का था, तब से सपने लिए रहता है कि इस जादुई नगरी मुंबई में कुछ ना कुछ बनना है, कुछ लाइफ में करना है। फिर जो पैशन है उसका डांस वगैरह वो तो फॉलो करता ही है, किसी तरह से शॉर्टकट तरीका अपनाने का कोशिश करता है ताकि पैसे ज़्यादा आ सके। तो वही ड्रग्स वगैरह के धंधे में आई थिंक पड़ जाता है। उसके बाद किस तरह से पुलिस पीछा करती है, उसके बाद जो भी उससे जुड़ा होता है उस हीरो से, आमिर से, यानी कि ईशान खट्टर से, जिसे तारा को बहुत पुलिस ले जाती है, उसके बाद बहुत उसके ऊपर अत्याचार करती है ताकि वो पता बता दे कि आखिर छुपा कहाँ है ईशान, यानी कि मालविका से पूछते हैं, यानी कि तारा से। तो ये फिल्म में आपको प्यार, ट्रेजेडी, सपने और सपनों का ब्रेकडाउन, सपनों का टूटना, इस तरह की चीज़ें, और जो एक रिलेशनशिप्स में कितनी सारी डिफिकल्टीज होती है, वो चीज़ें इस ट्रेलर में आप देखोगे। और जिस तरह से पिक्चराइजेशन है वो बहुत बढ़िया है और पूरा मुंबई का ही शूट है। वो कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है, मतलब कैसा है कि आपको जरूरी नहीं कि विदेशों में जाके गाना शूट करे या विदेशों में जाके फिल्म शूट करे। फिल्म में झोपड़पट्टी में भी शूट करते तो उसको ऑस्कर मिलता है, स्लमडॉग मिलियनेयर तो जानते हो आप एग्जांपल। बस ये जहन में होना चाहिए डायरेक्टर के कि किस तरह की वो सोच रखता है। और ये फिल्म बढ़िया होने वाली है। और विकिपीडिया जिसमें देख रहा था बियॉन्ड द क्लाउड्स में, जहाँ पर माजिद मजीदी जो डायरेक्टर, उन्होंने बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ईशान खट्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है वो। और अब मैं बात करता हूँ माजिद मजीदी आखिर शख्स कौन है। ईरान के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। उनकी मूवी चिल्ड्रन ऑफ हेवन 1998 में आई थी और वो पहली ईरानियन मूवी है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो टॉप 5 में आ चुकी थी लेकिन हार गई, बस इतने से हार गई, वैसे कुछ समझिए, अदरवाइज टॉप 5 में आ गई थी। और ईरानियन सिनेमा की बात करो तो आपको बता दूं, जितना डिफिकल्ट ईरानियन का सिनेमा है उतना कहीं किधर का भी नहीं होगा। ईरान के सिनेमा में आप एक लड़के लड़की को किस करते हुए नहीं दिखा सकते, या फिर हस्बैंड वाइफ को भी किस करते हुए नहीं दिखा सकते हो, इतना रेस्ट्रिक्शन है। और जैसे लड़कियां तो सर पे वो हिजाब आती है उसको बोलते हैं ना, वो सब जरूरी है, सर पे दुपट्टा वगैरह पहनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है वहां पर। और या फिर ये कहा जाए कि जैसे लड़के लोग खुले में गाना डांस करते हैं या परफॉर्म करते स्टेज पे, तो लड़कियां खुले में परफॉर्म करना उस पर भी बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन अगर खुले में दुपट्टा नहीं पहना और उसके बाद परफॉर्म करी डांस वगैरह, तो वो एक अलग से एक वो भी अलाउड नहीं है। तो इतना रेस्ट्रिक्शन जिस तरह की जिस कंट्री में है उसके अंदर इतनी बढ़िया फिल्म बनाना, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, द सॉन्ग स्पैरोस 2008 में, वो भी देख सकते हैं आप। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद आपको फिल्में देखने का नजरिया बदल जाएगा। बहरहाल इस पूरे ट्रेलर की अगर से बात करें, बियॉन्ड द क्लाउड्स एक अच्छा ट्रेलर है। तमिल, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज होगी 23 मार्च को। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, यानी कि बहुत ही बढ़िया है। ये ट्रेलर का लिंक आपको जी स्टूडियो पे मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ वीडियो, ताकि आपको बिना मशक्कत के आपको मिल जाए। जरूर देखिए इस ट्रेलर को, आपकी राय जरूर बताइए। फिलहाल ओवरऑल मुझे 5 में से 4 स्टार देने का दिल कर रहा है इस ट्रेलर को, तो मैं दे देता हूँ। चलिए फिलहाल कितना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही।